मिसरा को मेना को अतु बगी बगी करते बारे सेन को चला। भारतीय जनता पार्टी तरफ से चेष्टा हुई करना जे संथाली समाज और झारखंड दबा पूरा दिशम रे आदिवासी समाज को चल लेकाते बेस हुई वा चल लेकाते लहासन को चला आ चल लेकाते आको हो अबो हो बेस ते बो तहन मा नवा दिशम रे तेह संथाली मिसरा लेकाते भारतीय जनता पार्टी अगड़ोते चेस्काते तेनवा दिशम रे राष्ट्रपति हिसाब ते आबोरिन मिसरा द्रौपदी मुर्मू तेह दिल्ली रे दुड़ू वकना जे आबो नवा दिशम रे जहां तिना आदिवासी बोया मिसरा को मिना कुआ जोतो को जुमी दो मा जोतो को केटे जो मा जेते को लहासन को चला मा मेन खान नोडे रिन सरकार नवा जहां सरकार नोडे मिनाया उन्हीं दो सिर्फ राजनीति रिया चेष्टा है कर आजा तो नवा आदिवासी को आदिम को बेस हुयु मा ओना चिंता तो बनुवा चेल लेकाते निजे और उनकान होल को साउते इदी काते सरकार चलाए था जहाँ को झारखंड रहना अब ओथासा अब बुरुदारे अब आयो मिसरा को जो तो को सलाह उन हुई करना सब के साथ अन्याय हो रहा है। आज दामिने कोह का मतलब है ऐतिहासिक दृष्टि से जल जंगल जमीन की सुरक्षा। मैं अभी आ रहा था रास्ते में मैंने पूछा कि ये मसांजोर डैम का बैक वाटर जो इधर आता है उसके आसपास में इतने घर तो नहीं थे। ये तो मसांजोर डैम का पोर्शन है, इसमें कैसे इतना घर बन गया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आप इन सारे चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि मसांजोर डैम का जमीन अगर कब्जा हो रहा है, सरकारी जमीन अगर कब्जा हो रहा है, तो यह संथाल परगना एक्ट के बारे में भूलने वाले को भूलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस कानून के साथ खिलवाड़ यहां की सरकार कर रही है। यहां की सरकार इस कानून की सुरक्षा नहीं कर रही है, बात कर रही है एसपीटी सीएनटी एक्ट। मुझे याद है कि इनके मंत्री सारा दस्तावेज है सीएनटी एक्ट एसपीटी एक्ट को बदलने के लिए, इनके मंत्री मथुरा महतो ने फाइल बढ़ाया था और कहा था कि इसको बदलना चाहिए, और उसका स्वीकृति वित्त मंत्री के रूप में अभी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने दिया था। हमने कहा कि यह अन्याय होगा यहाँ के लोगों के साथ, इस पर विचार करना चाहिए, चिंता करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यहाँ सबसे पहले जिसके लिए कानून बना है उसकी सुरक्षा होना चाहिए, और उसके सुरक्षा के लिए हमने उस समय यह बिल पास होने नहीं दिया। और मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है कि आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रख सकती है। यह अगर किसी दल में सबसे ज्यादा कमिटमेंट है आदिवासियों के प्रति तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज देश के अंदर आज आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से जनजाति समाज को आगे ऊंचा उठाने के लिए काम किया है। देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, उड़ीसा का मुख्यमंत्री एक आदिवासी है,
छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री एक आदिवासी है, सभी ब्लॉक तक रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का काम भारत सरकार ने स्वीकृति दिया है। यह सरकार बहुत जगहों में जमीन नहीं दे पा रही है, जमीन नहीं दे रही है। जहां 240 विद्यार्थी होने चाहिए वहां 480 विद्यार्थियों के लिए सीट और उसके अनुपात में पैसा राज्य सरकार को दे रही है, लेकिन राज्य सरकार इन स्कूलों को जल्दी ना बने राजनीतिक दृष्टि से देख रही है। इस तरह का व्यवहार सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए उन लोगों के साथ समझौता करके जो लोग न केवल इस राज्य को बल्कि इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं घुसपैठिए के माध्यम से, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यही कहूंगा भाइयों, माताओं, बहनों, कि आइए हम सब मिलकर के, ये देश हमारे है, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ एक एक जमीन की, एक एक इंच जमीन की सुरक्षा के लिए हम सबको आने वाले दिनों में इस राज्य में परिवर्तन लेके आना है। इसी उद्देश्य के साथ ये परिवर्तन यात्रा आज दुमका में पहुंची है। ये परिवर्तन यात्रा सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन है, ये परिवर्तन आपके अधिकारों को सुरक्षित करने का परिवर्तन है, यहाँ के आम नागरिकों को सुरक्षित करने का परिवर्तन है। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहूंगा और मैं एक बार जोर से आप सबसे निवेदन करूंगा, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, फिर से दोनों हाथ उठा के भारत माता की। अब अगले वक्ता के रूप में माननीय झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी को भी आमंत्रित करते हैं और जोर से नारा लगाइए, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। चलो एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। देखो इधर का आवाज नहीं आ रहा, इधर भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री गौरकांत जी और आज हम सब लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हैं, हम सब लोगों को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी और पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभयकांत प्रसाद जी, और यात्रा के प्रमुख श्री अमित मंडल जी, देवघर के विधायक श्री नारायण दास जी, पूर्व सांसद श्री सुनील सोरेन जी, पूर्व विधायक और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमती लुईस मारंडी जी, प्रदेश के मंत्री श्री मुन्ना मिश्र जी, परितोष जी, सुरेश जी और जामा से रहे विधायक और पिछले इस लोकसभा क्षेत्र से रहे प्रत्याशी श्रीमती सीता सोरेन जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, मैं आप सब लोगों से कुछ निवेदन, कुछ अपील करने के लिए थोड़ी से के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि हम सबको पता है कि अब चुनाव बहुत ही करीब है।
और चुनाव करीब है तो देख रहे कि झारखंड के सरकार रोज नए नए घोषणाएं कर रही है, इतनी अफरा तफरी में है कि उसका दुष्परिणाम भी हम सब लोग देख रहे हैं। और पूरे 5 वर्षों तक इन्होंने क्या किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे 5 वर्षों तक चाहते तो इस झारखंड के राज्य के लिए वो काम करते, लेकिन झारखंड के लिए इन्होंने काम नहीं किया बल्कि कमाने में लग गए। ये लोग अपने तिजोरी को भरने में लोग लग गए। और पिछले दिन आप सब ने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के नेता के घरों में करोड़ों करोड़ टका की नोट की गाड़ियां मिली, यहां तक कि मंत्री के सचिव तो छोड़ दीजिए सचिव के नौकर के घर में भी 35 करोड़ रुपया का नोट मिला। एक भ्रष्ट अफसर उनके सीए के घर में भी पैसे मिले। आखिर यह पैसा कहां से आया था? इस पैसे को झारखंड की धरती से जो खनिज संपदा को लूटा था, जमीन को लूटा था, उसी का सब पैसा था। जब एक कर्मचारी के नौकर के घर से इतना पैसा मिल सकता है तो आप समझ सकते कि इन लोगों के पास कितने पैसे होंगे। तो 5 वर्षों तक इन लोगों ने यही काम किया। नदी के बालू को इन लोगों ने लूटा, पहाड़ का और जंगल के पत्थर को इन लोगों ने लूटा, और यहां तक कि कोयला को भी लूटा और जमीन को भी उसमें फर्जीवाड़ा करके लोगों ने लूटा। और इतना ही नहीं बल्कि सेना की जमीन तक को फर्जीवाड़ा करके लोगों ने बेच डाला। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए खड़ा हूं, ये 5 वर्षों तक यही काम किया इन्होंने। और जब चुनाव नजदीक आ रहा है वोट लेने के लिए नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। अब याद करिए आजकल उन्होंने बड़े घूम रहे हैं जगह जगह पर, अखबारों में फ्रंट पेज में फोटो छपता है, टेलीविजन में फोटो दिखता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि मां बहनों के बीच में माई योजना, हमने कहा कि भाई हेमंत सोरेन जी आपने अगर जो पहले घोषणा किया वही का पूरा किए होते तो 1000 टका देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उनको पता है 1-2 महीना 1000 रुपया दे करके अक्टूबर नवंबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, दिसंबर तक में सब कुछ चुनाव हो जाएगा तो 1-2 महीना देना पड़ेगा। यानी वो चारा डाल रहे हैं वोट के खातिर, उनसे सावधान रहना है। हम यही कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अब याद करिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा था कि गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। किसी को मिला क्या? मिला क्या बताओ? नहीं मिला। हेमंत सोरेन ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीब मां बहनों को 2,000 रुपया महीना में चूल्हा खर्च देंगे। 5 साल हो गया कायदे से तो 1,20,000 रुपया हर घर के मां बहनों को उनको देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? उन्होंने घोषणा किया था, दिया क्या? नहीं दिया। उन्होंने और कहा था कि लड़कियों की जब शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे। अब इस 5 साल में लाखों बच्चों की शादी हो गई लेकिन किसी को सोने की सिक्का भी नहीं मिला। सोने की सिक्का छोड़ दीजिए, चांदी के भी सिक्का इन्होंने नहीं दिया। दिया क्या किसी मां बहनों को? मिला क्या बताओ? नहीं मिला। तो इन्होंने कहा था, और इतना ही उन्होंने कहा था, जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो दिव्यांग है, विधवा है, उनको 1000 टका की जगह पर 2,500 रुपया उनको 2,500 टका पेंशन देंगे। किसी को मिला क्या पेंशन 2,500 रुपया? किसी को नहीं मिला। बताइए इन्होंने बूढ़ों को ठका, बुजुर्गों को ठका, विधवा को ठका, दिव्यांगों को ठका, गरीबों को ठका। और यहां तक कि उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड भी बना दिया ताकि राशन फ्री में देंगे। आज बेचारा वो ग्रीन कार्ड लेकर के लोग घूमते हैं, उसको भी राशन नहीं मिलता है। और तो और नौजवानों को भी ठका, नौजवानों को कहा था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। और तो और बाबूजी का उन्होंने कसम खाया था, उन्होंने कहा था हम शिव सोरेन के बेटा है, अगर 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे राजनीति से। अरे भाई आप बताओ 5 साल में कितना नौकरी नौजवानों को मिला? बल्कि नौजवानों को नौकरी तो मिला नहीं, उत्पाद विभाग में नौकरी के नाम पर बच्चों को दौड़ा करके भीषण बच्चों की मौत हो चुकी है। अब जरा सोचिए गर्मी में दौड़ा रही है एक घंटे में 10 किलोमीटर। हेमंत सोरेन की कुव्यवस्था के कारण 10 लाख मर गए, 10-20 युवक मर गए। उनको देखने के लिए, उनके परिवारों में देखने के लिए कोई मंत्री तक नहीं गए।
और अपने पति पत्नी नाचते हैं। भाई इतना सोचो क्या हालत होगी उन घरों में, जवान बेटा बेटी मर जाए। लेकिन इनको वो चिंता नहीं है, नौकरी दिया नहीं, जितने भी इन 5 साल में एग्जाम हुए सब में वो गड़बड़ हो गया, पेपर लीक हो गया। अभी दो तीन दिन पहले आपने देखा 21 और 22 तारीख को एग्जाम हुआ। कदाचार को, नकल को रोकने के लिए उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया, लेकिन क्या किया था, पहले ही सेटिंग कर दिया, सरकार ने सेटिंग कर दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी की पूरे पूर्व के क्वेश्चन पेपर को ही उन्होंने उतार दिया और उसी को पहले बता दिया कि किस क्वेश्चन पेपर में है। और इसका परिणाम यह हुआ, नकल हुआ, आज लड़के आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, उसकी उनको कोई चिंता नहीं है। और हमने उनको कहा कि भैया तो बड़ा सातीर है, चोर के 64 बुद्धि होता है, वो हेमंत सोरेन के पास है तो मेरे ऊपर एक दिन में 6-6 थाना में केस कर दिया कि हमको चोर बोला। भैया अगर बताओ कि इतना जो चोरी करता हो, कोयला चोरी करता हो, बालू चोरी कराता हो, लोहा चोरी कराता हो, जमीन की फर्जीवाड़ा करता हो, बच्चों के भविष्य को बर्बाद करता हो, उसको चोर नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे। और इसलिए हमने कहा कि झारखंड के नौजवानों के खातिर आपको जितना केस करना है कर लीजिए, अगर जेल जाना जीवन भर रहेगा तो जीवन भर जेल में रहेंगे, लेकिन झारखंड के बच्चों के साथ ना इंसाफी नहीं होने देंगे। आज ही यही करना है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि परिवर्तन यात्रा में पूरे झारखंड में घूम करके संथाल परगना का यहां समाप्त हो रहा है, लेकिन ये यात्रा तो चलते ही रहेगी और तब तक चलेगी जब तक इस झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार नहीं बन जाती है। जब तक झारखंड की गरीबों की जो तकलीफ है उसको हम सब लोग मिटा नहीं लेते, यही मैं कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अभी यहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हुए, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, मां बहनों को सम्मान मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में मां मातारी योजना चल रही है, वहां सम्मान मिल रहा है। उड़ीसा में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां उस काम को पूरा कर रही है, लेकिन ये सरकार तो सबको दगा दे रही है, सबको ठग रही है, इससे क्या विश्वास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज अगर हम झारखंड राज्य में भी है तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। और इसलिए मैं यही कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस ने तो 55-60 साल तक राज किया, उनके साथ ही जेएमएम के लोग, झारखंड पार्टी के लोग सदैव उनके साथ रहे, दोस्ती करते रहे, आज भी जैसे दोस्ती किया हुआ, लेकिन कभी भी झारखंड के लोगों की उन्होंने मांगों को पूरा नहीं किया। अगर झारखंड की जनता की मांग को किसी ने पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब याद करिए, गांव घर में जो लोग रहते हैं उनको पता है, गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं हुआ करता था। 65 साल तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन सड़क गांव तक नहीं पहुंचाया। बीजेपी की सरकार केंद्र में भी बनी, प्रदेश में भी बनी, आज झारखंड के गांव तक सड़क भी पहुंच गई। पहले गांव के घरों के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, उस समय मिट्टी तेल के लिए लोग यहां वहां दौड़ लगाते थे, लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनी तो झारखंड के और देश के गांव और घरों तक बिजली भी पहुंचा दिया, मिट्टी तेल लोग भूल गए। यानी विकास की जो पैमाना है, जो सुविधाएं दिल्ली में देखती, रांची में देखती है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उस सुविधा को झारखंड के गांव तक भी पहुंचा देना है, यही विकास की एक किरण है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा, यही मैं अपील करूंगा कि आने वाला जो समय है, इस प्रदेश में चुनाव होना है, उस चुनाव में आपका साथ भारतीय जनता पार्टी को मिले, आपका साथ कमल फूल को मिले, आपका साथ नरेंद्र मोदी जी को मिले, यही मैं आपसे निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। और बोया मिसेरा को अडिसूर संगी खो मोन सौर से टेरेन, भारतीय जनता पार्टी होते दिखी झारखंड राज हो बेगार का ना।
भारतीय जनता पार्टी होते थे कि विकास रिया कमी आतो दबीते बिजली ओड़ा दबीते बिजली आतो दबीते सड़कों से टेर कहना भारतीय जनता पार्टी होते थे कि लाते हो विकास तो हुआ ये थो मेता में नरेंद्र मोदी मोहनरे 5 किलो अनाज हो कुल बोन का हिस्साना खाता रहो पैसा है कुलदा अदो ओना ती मेता हो बोना भारतीय जनता पार्टी की सरिद्धमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हो बेनाव के दे और नीताने लिया बोन छत्तीसगढ़ रहो मुख्यमंत्री आदिवासी और उड़ीसा रहो मुख्यमंत्री आदिवासी नवा कमी दो भारतीय जनता पार्टी होते थे कि हुई दड़े एटा को दो नोन दो आदिवासी लगी आतोरे नौड़ लगी दो बाको हो दिशा होना तो मेताओ बोना हजू कान समय रे मिमी गोटेन बोर्ड भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी से बोन घोड़ो हो या उन्हीं आती बोन कटे जा इना मेन कहते कि मोचे इदा बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय झारखंड जोहार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी मंच पर उपस्थित हैं। इनको आमंत्रित करने के पहले एक बार जोर से नारा लगेगी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद मोहन यादव जिंदाबाद। आदरणीय मोहन यादव जी झारखंड की धरती पर आज परिवर्तन यात्रा के समापन के इस मौके पर दुमका वो संथाल एरिया का परिवर्तन यात्रा का समापन है और इस धरती पर उतरते ही मैंने देवघर में बाबा बैजनाथ को प्रणाम किया। शिव और शक्ति के उस स्थान को नमन करके मैंने भी इस परिवर्तन यात्रा में बाबा से आशीर्वाद मांगा है कि बाबा ये बेईमानों की सरकार का अंत होना चाहिए, ये आशीर्वाद दो यहाँ के जो अन्याय अत्याचार और पाप करने वाली सरकार है इसका ये माँ हमारी अपनी मयूराक्षी मैया यहाँ की पवित्र नदी वही है ना मयूराक्षी मैया। हम अपने नर्मदा छिपरा उस स्थान से आते हैं और ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध में श्राद्ध करने के लिए हमारे पूर्वजों को नमन करते हुए हम संकल्प करेंगे आने वाले नवरात्रि में तुरंत बाद दशहरा का आना होना है और दशहरा आते आते ही हमारे यशस्वी अध्यक्ष बाबूलाल जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। धूमधाम से उनने अपनी बात रखी। हमारे अपने युवा नेता अर्जुन मुंडा जी के भी अभिनंदन है, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री है, दोनों का अभिनंदन है। परिवर्तन यात्रा के इस मंच पर माननीय बाबूलाल जी अर्जुन मुंडा जी के साथ साथ लुइस मरांडी प्रदेश के उपाध्यक्ष आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। अभय कांत जी कहाँ है भैया, जोरदार अभय जी के लिए भी अभिनंदन करें। बाल मुकुंद सहाय जी प्रदेश के उपाध्यक्ष आपका वंदन है, अभिनंदन है। सुनील सोरेन जी और हमारी अपनी सीता बहन के लिए भी जोरदार अभिनंदन सीता सोरेन जी के लिए। विधायक अमित मंडल आपने आकर के मेरा अभिनंदन किया, जोरदार अमित के लिए अभिनंदन करें भाई। नारायण दास जी विधायक, पारितोष सोरेन जी, सुरेश मुर्मू जी, नारायण दास जी, अमिता जी, अमिताभ जी आपके लिए भी जोरदार अभिनंदन। और जिला अध्यक्ष गौरव कांत जी, कहां जिला अध्यक्ष जी, जोरदार अभिनंदन गौरव जी के लिए। नाम तो इतने सारे लेना लेकिन मेरा हेलीकॉप्टर भी उड़ना है, मुझे लगा कि ऐसा है कि यही रात रहना हो तो, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्का है। सच मानो मैं मध्य प्रदेश में लगातार अपनी सरकार के अच्छे कामों को लेकर के जाता हूं और उन अच्छे कामों को लेके जाते जाते हम यहाँ इस धरती पर जिनकी ये कर्म भूमि है भगवान बिरसा मुंडा जी के लिए, हमारे यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में उनके जय जयकार करते हुए कार्यक्रम कराते हैं,
जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, हमारे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। आदिवासियों के लिए जो यशस्वी प्रधानमंत्री के मन में श्रद्धा है वो बोलने के लिए नहीं है, ये हमारी सरकार, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का उनका विशालता है कि जिसके कारण से ये तथाकथित लोग जो सरकार में बैठ करके, आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान बिरसा मुंडा का जो योगदान था आजादी के समय संघर्ष के लिए, वो अगर उनका पूरे देश में नाम अगर किसी ने पहुंचाया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया, हमें इस बात की प्रसन्नता। और यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न को कैसे भूल सकते हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, बाबूलाल जी तो गवाह है, अर्जुन मुंडा जी उसके साथ आए, ये हेमंत सोरेन जी और उनके साथ जितने चट्टे बट्टे लगे हुए हैं, ये सारे के सारे लोग जिस बात को 1937 से कैप्टन जयपाल सिंह जी ने उठाया था कि ये झारखंड अलग राज्य बनना चाहिए था, लेकिन उस अलग राज्य बनने की उस कल्पना को ये लोग कहते हैं हमारी लाश पे बनाया जाएगा, आज वो नेता भी जिंदा है, उनके साथ वाले वोट मांगने आ रहे हैं। अरे किस मुंह से वोट मांगोगे, जिनने झारखंड राज्य का ही विरोध किया था, झारखंड के लोगों की भावना के साथ अन्याय किया था, आज आप उनके बीच में आओगे और आपको वोट देंगे। और मैं अभी ये बताया अर्जुन जी ने और बाबूलाल जी ने, क्या आपने आने के बाद करा क्या है, जितना झूठ बोल सकते थे उसकी पराकाष्ठा की है, लेकिन हम आज भारतीय जनता पार्टी के उस नेता के साथ इस झारखंड के राज्य को भी कदम से कदम मिला के चलाना चाहेंगे, जिसका नाम यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, हमें इस बात का आनंद है। जिनका नाम लेना पर्याप्त है, आदिवासियों के लिए पहली बार बहनों की यहां ताकत बैठी हुई है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस ने, हेमंत सोरेन सहित उनके सारे लोगों ने हमेशा वोट लिए, अपनी सरकार बनाई, झूठ बोल के आगे बढ़ते गए, लेकिन आज तक कभी किसी आदिवासी बहन को, भाई को राष्ट्रपति नहीं बनाया, ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज यशस्वी हमारी अपनी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगर है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहन के लिए जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे आदिवासियों का सम्मान है। जो कहते नहीं है करके दिखाते हैं अपने सबके सामने। और उसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में निर्णय किया कि ये राज्य भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यहाँ के आदिवासियों की भलाई के लिए, उन्होंने तो कामना की थी सारे देश के बाकी राज्यों के बजाय झारखंड के अंदर बाबा बैजनाथ की कृपा से, भगवान की विशेष कृपा है, जमीन में कौन सा खनिज नहीं छिपा हुआ है, अरे खजाना छिपा है खजाना, प्राकृतिक संसाधनों से जितना आच्छादित ये प्रदेश है और कोई प्रदेश नहीं है। यहाँ के मेहनत का श्लोक अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी जीवटता से, अपनी ईमानदारी से दुनिया भर में जाने जाते हैं। इतनी संभावना वाला प्रदेश अगर आज अपने नंबर वन के स्थान को खो करके सबसे नीचे आया है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण हेमंत सोरेन है, ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। इसलिए आज आपने कितना अच्छा नारा दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों को, जिनने कहा है कि ना कहेंगे ना सहेंगे, बदल के नारा लगाओ एक बार, ना कहेंगे ना सहेंगे, ना कहेंगे ना सहेंगे। ये बात में अपने आप में सारी बात आ जाती है, ये बदलने वाली बात सरल नहीं है,
बदलना क्यों है हम इसकी लाइन से देखें। बदलना इसलिए कि आज इस प्रदेश के अंदर जो लूट मची है, बाबूलाल जी और अर्जुन मुंडा जी ने बताया है, लाइन से बताया है। ये गरीब लोग अपने चेहरे बता रहे हैं कि अपनी मेहनत से सरकार बनाते हैं, अपने वोट से गणतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह जनता की बेहतरी के लिए काम करेगी। अब आप बताओ, जनता से जो वादे किए वो वादे एक के बाद एक, केवल चुनाव जीतने के लिए, चुनाव के बाद क्या होगा मालूम नहीं, इतना झूठ बोलते हैं। आज हमारे बीच में जो सरकार बना के बैठे हैं, सही कहा बाबूलाल जी ने, हमारे यहाँ लाडली बहना योजना है और ये आपने यह नाम कुछ भी दे दिया हो, लेकिन उसके पहले जब आप चुनाव में गए थे तो आपने क्या बोला था, कितने प्रकार से झूठ बोला था, 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कौन से 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी, सारी की सारी सरकार। और हम नहीं कह रहे हैं अब सीबीआई ईडी, अरे आप बेईमानी करोगे, आप पे मुकदमा बनेगा। एक गरीब आदमी भी कोई गलती करता है तो थाने में रिपोर्ट होती कि नहीं होती, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आप लाखों करोड़ों का घोटाला घपला कर दो, घोटाला कर दो और आपके कोई कहेगा नहीं, अरे ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। दिल्ली के अंदर जो बेईमानी करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमें इस बात का गर्व है। आपने झारखंड वालों की आत्मा दुखाई है, आपने उनके साथ अन्याय किया है, अब आप जमानत पे आकर के फिर वोट मांग रहे हो, जनता मूर्ख है क्या? अरे दो रोटी जनता भी खाती है, जनता को मालूम है आपने इस झारखंड के साथ क्या क्या नहीं किया। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, बताओ 1000 करोड़ किसको कहते हैं? 300 करोड़ का जमीन घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, खनिज घोटाला, ये तो वो आंकड़े हैं जो पकड़ में आ रहे हैं। इसीलिए तो आपके सांसद के यहां से कितने करोड़ मिले थे भाई साहब, कितने, बाप रे, जरा मेरे को सुनने में ही शर्म आ रही है, कितने करोड़, 300 करोड़ किसी सांसद के घर से। और बड़े बेईमानी से वो कह रहे हैं हाँ तो क्या हुआ, तो क्या हुआ मतलब, अरे डूब भरना चाहिए क्या हुआ। जिनके पीए के भी नौकर के घर पे 35 करोड़ रुपया मिल रहा है, कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। मैं मान के चलता हूं एक नहीं, आज यहां ये कांग्रेस और उनकी समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी आज सबसे बेईमान भ्रष्ट पार्टी के रूप में ये गठबंधन ध्यान में आ रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, आने वाले समय में आज जितनी संभावना इस झारखंड के साथ है, और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तो अभिनंदन करना पड़ेगा। आप बताओ या किसान बैठे होंगे, कौन कौन जिन खेती करते हैं, हाथ खड़े करो जिनके घर में खेती बाड़ी है, जिन जिनके घर में खेती बाड़ी है। ये है यशस्वी प्रधानमंत्री के, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों को समान मानते हुए आपको किसान सम्मान निधि आ रही कि नहीं आ रही है? जोरदार ताली बजाओ, और जो जो बचे हैं उन सबको मिलेगा। ये हमारी सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की, केवल देश में नहीं दुनिया में भी साख इसीलिए है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक तरफ उज्जवल धवल चरित्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और एक तरफ ये बेईमानों की सरकार जिनके यहाँ लगातार अपनी पार्टी वाले के साथ भी अन्याय करते हैं, और पार्टी के सामने वालों के साथ में करते हैं, मतदाताओं के साथ करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब मैं यहाँ आया था तो रस्ते में जितने लोगों से मिला सभी लोग एक बात कह रहे थे, भैया कुछ भी करो इस बार किसी की भी सरकार बनेगी, बनेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये विश्वास उनने जताया। मन में कैसा उमंग और कैसा उत्साह है, इस परिवर्तन यात्रा के बारे में मुझे बताया गया है। पूरी यात्रा के समय बारिश होती रही, पानी गिरता रहा, लेकिन उसके बाद भी हमारे मतदाताओं का भाजपा के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ। भारी संख्या में परिवर्तन यात्रा ने
अपने उद्देश्य की प्राप्ति की, और ये माननीय प्रधानमंत्री की देन है, ना केवल राष्ट्रपति बनाते हैं। अरे मुझ जैसे भी गरीब परिवार को अगर मुख्यमंत्री बनाने का मौका किसी ने दिया तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये हमारी सरकार जो कहती नहीं है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। उड़ीसा जैसे राज्य में एक आदिवासी भाई को अपने सबके बीच में मुख्यमंत्री बनाकर किसी ने दिखाया तो उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और भारतीय जनता पार्टी पास में लगा हुआ उड़ीसा, कभी कोई सोच सकते थे? ये एक नहीं, लगातार एक के बाद एक बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन आज तो हमको संकल्प करना है। ये पैसा कानून के जरिए जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को बहाल करने का अगर किसी ने निर्णय किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे क्षेत्र के अंदर विकास का मामला आएगा, लेकिन ये तो एक बेईमानों की टोली इकट्ठी हो गई, जो भी है सब जमानत पे, या तो जेल में या जमानत पे। वो जो जेल में है वो जमानत पे है, वो भारतीय जनता पार्टी को गाली देंगे। अरे भैया आपने गलती करी है, आप पे मुकदमे बने हैं, तो आपको तो बोलना, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गरीब से गरीब आदमी के भी मकान बनाने के लिए अगर किसी का बड़ा मन है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। शहरी क्षेत्र के अंदर 2.5 लाख और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 1.5 लाख, पहली बार आजादी के बाद गरीब आदमी को अपना मकान का सपना देखने का मौका मिला और उनको आगे बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। आज मुझे ध्यान में आया झारखंड के अंदर अब तो और खतरा बढ़ा है। ये झारखंड की आबादी जो 44% थी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण से, जिनको वोट बैंक के आधार पर हमारे भोले वाले आदिवासियों का दुरुपयोग करते हुए लगातार बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को बढ़ावा देने का काम अगर कोई काम कर रहा है तो हेमंत सोरेन और उनके साथ वाले कर रहे हैं। इसके कारण से आबादी केवल 28% रह गई। अरे जो इस देश का नहीं है, देश के बाहर का है, केवल वो एक धर्म विशेष का है, इसलिए उसको आन दो आन दो आन दो। अरे वो आएगा तो हमारे लोग कहां जाएंगे, इनके जीवन में कितने कष्ट आएंगे, इसकी चिंता कौन करेगा? मुझे खुशी है इस बात की, ऐसे बेईमान और भ्रष्ट को हटाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा जरूरी है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं कि हमारे समय में अब जो नया समय आया है, जब दुनिया में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था के बाद 3री अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो झारखंड को भी नंबर 1 का राज्य बनना चाहिए। बोलिए बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, आपके बीच में आवाज आना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो आने वाले समय में एक एक व्यक्ति संकल्प करे कि हम अपना वोट और अपना संकल्प घर घर जाकर के सुनाएंगे, एक एक मतदाता को पकड़ेंगे और अपने जल जंगल और आदिवासी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और मैं भी आपके पड़ोस के राज्य से आता हूं, हमारे झारखंड वासियों के लिए मध्य प्रदेश में भी आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आपको आमंत्रण देता हूं, हमारे राज्य में भी आप आइए। हमारे अपने बाबा महाकाल की नगरी से मैं आता हूं, आप बैजनाथ वाले हैं, हमारे अपने देवी देवता हमको अपने सनातन धर्म के प्रति भी जय जयकार कराते हैं। इसीलिए आज बदलते दौर में हमने देखा है अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान राम अगर मुस्कुरा रहे हैं तो कृष्ण भगवान ने क्या बिगाड़ा है? ये सारे के सारे चट्टे बट्टे विरोध वाले ना ये भगवान राम का सम्मान करते हैं ना राम भक्तों का सम्मान करते हैं। अरे बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं कि भगवान राम के जन्म स्थान के समय गर्भगृह के प्रवेश के समय वहां नाच गाना हुआ था, शर्म से डूब मरना चाहिए कांग्रेस के नेता को। कैसी आप गंदी बात है बोलते हो, हजारों लोगों करोड़ों लोगों की आत्मा को दुख हुआते हो, उनके मन में कष्ट होता है। अरे आपको सम्मान मत करना मत करो, लेकिन सबके बीच अपमान तो मत करो। ये आने वाला चुनाव कांग्रेस और सोरेन इनके सारे के सारे लोग एक साथ आने वाले हैं, एक एक वोट दे करके हमको हिसाब चुकता करना है, क्योंकि हम तो वो सारे लोग हैं जो अपने
लंबे इस जीवन में सभी का सम्मान करते हैं। हमारी तो भावना सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सबको लेके चलने की। और झारखंड तो पूर्व का प्रदेश है, इस पूर्व के प्रदेश का निकलना वाला सूरज हमेशा विकास और प्रगति की राह पे ले जाता है। ऐसे समय में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रोजगार के लिए, विकास के लिए, झारखंड के एक एक गरीब आदमी का भला करने के लिए, प्रत्येक युवा को रोजगार के लिए, प्रत्येक किसान की बेहतरी के लिए, प्रत्येक माता बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, आइए हम सब संकल्प करें इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से किसी हालत में हेमंत सोरेन की सरकार बदल के रहेंगे। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और एक एक आदमी मेरे साथ नारा लगाना। एक एक व्यक्ति खड़ा हो जाओ, कोई नहीं बैठेगा अपने स्थान पर। जब तक चुनाव पूरा नहीं हो जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके हम अपना संकल्प पूरा करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।